मानव अभी भी इसके दिल में ना वही कुन्नस है, उसी का बदला ले रही है मेरे पैर में। मैं इतनी वायलेंट और ये इतना साइलेंट, पर बेला के दर्द से हमदर्दी तो इसे हो रही है। अरे दादी लाइए दीजिए ना, आपके पैर मैं दबा देती हूँ। अरे तुम हटो दादी, मैं एक काम करती हूँ, आपके पैर ना मैं दबाती हूँ। क्या है ना कि मुझे एक स्पेशल वाला मसाज आता है दादी, आपको पता है आपका दर्द सारा का सारा इससे छुमंतर हो जाएगा, तो मैं दबाती हूँ। हटो तुम। नहीं नहीं मैं दबाऊंगी पैर। अरे मैंने कहा ना मैं दबाऊंगी। हटो यहाँ से, तुम हटो यहाँ से। दादी आप पैरों पर रखिए, हमें डिसाइड करने दीजिए। अरे पैर मैं दबाऊंगी, छोड़ो मुझे ना, हटो मैं आपसे फिर तू ना। अरे काहे की फिर दादी सासी, आपको हाथ पैर नाक गला तो दबाना दबा लीजिए, अब आपके पास एक नहीं दो तो है दबाने के लिए। मैं जा रही हूँ किचन में, लंच बनाना है। वरना मैं तुम लोगों का गला दबा दूंगी। अरे दर्द दे रही हो या ले रही हो, पैर दबाते दबाते कहीं दोनों टांग ना तोड़ दो। हटो हटो तुम दोनों यहां से, फालतू में दबा रही हो दबा रही हो। क्या बनाया तुमने? बैंगन का भरता। आपने तो कहा था कि मेरा भरता बना दो, मेरा मतलब है बैंगन का भरता बना दो, वही बनाया। हाँ बोला था, लेकिन बैंगन के भरते में कोई बैंगन डालता है क्या? अरे लहसुन टमाटर ये सब डाली जाती है, तुमने बैंगन क्यों डाला? ये राक्षस को इंसानी खून के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता है। दादी सास जी, अब बैंगन के भरते में बैंगन नहीं डालेगा तो क्या डालेगा? आपको मुझे बताना चाहिए था ना कि तुम लहसुन डाल दो, टमाटर डाल दो, प्याज डाल दो, तो मैं वैसे ही डालती, वही डाल के आपको मिर्ची लगाती। मेरा मतलब है मिर्ची का तड़का लगाती। अरे तूने भरता नहीं मेरा भरता बना है, सारा मुंह तड़का कर दिया। ए सुन, तू इसकी माँ है ना, ये संस्कार दिए अपने बेटी को, आज तक किसी ने पलट के मुझे जवाब नहीं दिया, अपना मुंह नहीं खोला, और ये तेरी बेटी आज मेरे सामने मुंह खोल रही है, अपनी दादी सास के सामने। इज्जत करना सीख, सर पर नाच रही है ये लड़की। सुन तेरे से बात कर रही हूं, क्या काम सिखाया तूने अपनी बेटी को कि बड़े घर के बेटों को कैसे फंसाना, छोरों पर डोरे कैसे डालना, उसके बाद पूरे घर को सर पर उठाना, जबान खोलना, सबकी इज्जत का फालूदा बनाना, है ना? मुझे तो लगा था ये बेला को रानव के साथ घर में रखना चाहती है, पर ये तो बेला की बैंड। ये मदर इंडिया कौन सा नया डांडिया बजा रही है? अरे रे 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 रे, गलती हो गई मुझसे, मैं बेवजह अपनी बहू पर चिल्ला रही हूँ, गलती तो इसकी माँ की है। ऐसे ही परवरिश दी है ना तूने, तभी तो तेरी बेटी बड़ों की इज्जत नहीं करना जानती। माँ ही खोटी, जैसी माँ वैसी बेटी। दादी आप बेला की माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वो इस घर में मेहमान है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी खातिरदानी करनी चाहिए, और आपको बेला की कोई बात पसंद नहीं आई तो उसके लिए हम उसकी माँ को क्यों सुनाएंगे? इनको मैं इस घर में लेकर आया हूं, एटलीस्ट मेरी तो रिस्पेक्ट कीजिए।
पर ये कौन सा दुश्मन है और क्या चाहता है मुझसे? मैं नहीं जानता कि तू कौन है, लेकिन ऐसे नकाब पहन के पीठ पीछे वार कायर करते हैं। आज तेरा खेल खत्म, आज मैं तेरा चेहरा देख के रहूंगा। इस बार तेरी ये गिरी हुई हरकत तेरे काम नहीं आएगी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू नहीं जानता मैं कौन हूं। क्या अपने जख्मों को भरने के लिए हम राक्षसों को तुम परियों की जरूरत नहीं है। हम अपने जख्म खुद भर सकते हैं। तुम राक्षसों को बहुत वक्त लग जाता अपने जख्म भरने में, तब तक यूं ही तड़पते रहते जलते रहते, इसलिए मैंने कहो तो फिर से जला दूं। ये मैं क्या करने जा रही थी? हम परियां कभी किसी को जख्म नहीं देती, हम तो जख्म भरती हैं। जो दर्द तुमने दिया है उसके सामने इस जलन का दर्द, इसकी तड़प कुछ भी नहीं है। ये सब उस नकाबपोश ने किया ना। हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास नहीं रह सकती, तुम्हारे पास रह के नहीं ढूंढ सकती। अगर तुम्हारे आसपास रही तो कहीं तुम्हारे जैसी राक्षस ना बन जाऊं। इतनी बुरी, इतनी गिरी हुई, आई हेट माइसेल्फ, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। साथ तुम इतनी किस्मत वाली कहां हो? हम राक्षस ना जो भी करते हैं मुंह पे करते हैं, तुम परियों की तरह पीठ पीछे वार नहीं करते, धोखा नहीं देते। यू वेक्स मी, मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुम मुझे परेशान करते हो, मुझे बहुत परेशान करते हो, तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करती हो जब तुम मेरे पास आती हो?